को पता नहीं भाई अच्छा है कि नहीं है, आपका नाम पहले तो। मेरा अमित गुरुंग सर। अमित गुरुंग, तो आपने कहा कि कनाडा में वीजा दे रहा है, कौन वीजा दे रहा है? जो कनाडा का इमिग्रेशन, क्योंकि अभी LMIA उन लोग वीजा दे रहा है बोल रहा है, तो मैं अभी प्रोसेस करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ये सच है कि नहीं है। और फिर कंपनी ये भी बोल, वो जो मैं कंसल्टेंसी से अप्लाई कर रहा हूँ, तो उन लोग बोल रहा है कि अभी आपको 4200 तो देखे रजिस्टर करने का है, तो फिर बाद में उधर आप इधर भी पे कर सकता है, उधर भी पे कर सकता है। तो उन लोग बोला है कि उधर जाके आपको हर महीने में आपका वो जो फूड पैकिंग में आपका 16,000 दिरहम्स लगेगा बोल रहा है। तो फिर वेटर शेफ में और सुपरवाइजर में 30,000 दिरहम्स लगेगा बोल रहा है। अभी हम लोग इधर से पे करके 4,200 पे करके उधर जाके महीने में रोज हर महीने में $500 काटेगा बोल रहा है, ये सच है कि नहीं है सर जी? अभी सर जी अब मैं कैसे बता दूं ये सच है कि नहीं है? मैं तो आपसे बहुत दूर बैठा हूं और दुबई में कंसल्टेंट कह रहा है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो मैं आपको कैसे बता दूं सच है कि नहीं है? आप उनसे ही पूछें कि आपसे पहले उन्होंने कितनों के वीजे लगाए हैं कनाडा के लिए। बहुत है, नेपाली भी है, 3-4 बंदा है नेपाली, और फैमिली विजिट वीजा के भी लगाया है उन लोग, उन लोग शेयर किया है। फैमिली नहीं बात कर रहा हूँ, मैं वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ, जैसा वीजा आपको बोल रहे हैं वैसे वीजे कितने लगाए हैं उन्होंने? मैं उन लोग का फेसबुक पेज में देखा 7-8 लगाया है। 7-8 के नंबर है आपके पास, फोन नंबर है? नंबर तो नहीं है सर जी, उन लोग नंबर नहीं डालता है ना उसमें। बस यही तो बात है, जब जब अगर लगे हैं तो उनके नंबर आपको देने में उनको क्या प्रॉब्लम है, पहले उनसे उनके नंबर लें, 7-8 में से किसी कॉल करें, कॉल करके देखें कि वो असली भी हैं कि नहीं है, फिर जाके तसल्ली करें, ऐसे ही अदरवाइज आपके पैसे ना फंस जाएंगे। ओके, बस यही आपके आपके साथ पूछना था ये बात, इसलिए अभी मैं अप्लाई करूं ना करूं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसलिए आपका। आप पहले तसल्ली कर लें उन क्लाइंट्स को पूछ के कि भाई आपके पास भी ऐसे ही डील से गए हैं और वीज़ा उनका लगा है, वो काम कर रहे हैं, वीज़ा लगना कुछ और बात है, वहाँ पर वो काम मिलना और वो उस तरीके से काम करना एक अलग बात है। इसलिए आपके साथ पूछने का। थैंक यू सर जी, थैंक यू, बाय बाय।